माँ बाप ने पढ़ाई के लिए भेजा देहरादून, बेटा बन गया नशा तस्कर, फर्स्ट ईयर में युवाओं की संगत से बना नशे का आदि, इसके बाद खुद करने लगा नशे का व्यापार, देखते ही देखते बन गया ड्रग्स के। नशा पहाड़ के युवाओं की जिंदगी कैसे बर्बाद करता है आप इस खबर से समझ सकते हैं। खबर देहरादून से है। यहाँ पढ़ाई के लिए पहाड़ से पहुंचा एक युवा नशे के मकड़ जाल में ऐसा फंसा कि आज सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कॉलेज का मामूली छात्र जो कि कुछ सालों में ड्रग्स किंग बन गया और पूरे कॉलेज को चरस सप्लाई करने लगा। राजधानी के विश्वविद्यालय का छात्र नशा तस्करी में ऐसा डूबा कि सीधा चरस तस्कर बन गया। छात्र से 304 ग्राम चरस बरामद की गई है। छात्र ने यह चरस बागेश्वर से मंगवाई थी जो कि उसने अपने दोस्तों व विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को सप्लाई करनी थी। पुलिस ने उसे 304 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष क्लेमेंटाउन शिशुपाल राणा ने बताया कि शुक्रवार रात को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगा। उसके पास थैले की तलाशी ली गई तो उसमें से चरस बरामद हुई है। छात्र ने बताया कि चरस उसने बागेश्वर से मंगवाई थी। उसने पुलिस को जानकारी दी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसको नशे की बुरी लत लग गई थी और वो चरस का आदी हो गया था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी चरस की सप्लाई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो पूरे कॉलेज में चरस की सप्लाई करने लगा। उसने बताया कि वह बागेश्वर से 304 ग्राम चरस लेकर कॉलेज जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ कर रही है।